फिजिको केमिकल पैरामीटर, तो इसमें क्या, इस टॉपिक में क्या क्या दे रखे हैं? तो पहला आता है क्ले, क्ले का स्ट्रक्चर। क्ले का स्ट्रक्चर कैसा होता है? क्ले का स्ट्रक्चर होता है ऑक्टाहेड्रल और टेट्राहेड्रल। जो टेट्राहेड्रल होता है ना, वो कुछ ऐसा होता है, कुछ ऐसा ऐसा कुछ कुछ इस तरीके का होता है, उसमें ऐसे बीच में ऐसा होता है। इनको क्या कहते हैं? ये हो या तो ऑक्सीजन, या तो ऑक्सीजन हो सकता है, या तो हाइड्रोक्सिल हो सकता है। और ये जो बीच में है ना, इसे कहते हैं सिलिकॉन। ठीक है, तो ये हो गया टेट्राहेड्रल स्ट्रक्चर। और इसका जो ऑक्टाहेड्रल स्ट्रक्चर होता है, वो कुछ इस तरीके होता है। 2 मिनट, एक एक यहाँ पे है और कुछ यूं, ऐसे कुछ ऐसे। ये क्या दिखा रहा है? कि पीछे का दिखा रहा है, ऐसे पीछे का बना हुआ है। ये तो ऑक्टाहेड्रल कुछ इस तरीके का होता है स्ट्रक्चर। तो क्ले की बात हो गई, यहाँ पे आप दूसरी चीज देखते हैं। तो एक बात करें तो एक हो जाता है, जैसे प्रॉपर्टी है कि प्रॉपर्टी में इसमें सॉइल की प्रॉपर्टीज जाननी है, क्या सॉइल क्या होती है। तो एक प्रॉपर्टी इसकी कुछ ऐसी होती है कि ये आयन एक्सचेंज करती है सॉइल। फॉर एग्जांपल ले तो हम, जैसे हमारी ये सॉइल होगी, ठीक है, और इसमें हमने जैसे हाइड्रोजन हाइड्रोजन डाल, ठीक है, हाइड्रोजन आ रहा है, तो क्या करेगा ये सॉइल? हाइड्रोजन ले लेगा, ऐड हो जाएगा सॉइल में हाइड्रोजन। और ये थोड़ा प्लस है ना, तो इसकी जगह एक और रख लेते हैं यहाँ पे, ऐसे कैल्शियम रख लेते हैं। फॉर एग्जाम्पल इसे ऐसे कैल्शियम रख लेते हैं, 2+ कैल्शियम। अब इसे ऐसे हो गया और आयन एक्सचेंज हो रहे ना यहाँ पे सॉइल में। पहले कैल्शियम था और हाइड्रोजन आ रहा था, लेकिन हाइड्रोजन अब सॉइल पे आ गया और कैल्शियम दूर हो गया। तो एक तरीके से आयन एक्सचेंज हो रहा है, दोनों ही कट आयन ही है, ठीक है। तो ये एक प्रॉपर्टी होती है इसकी आयन एक्सचेंज करने की। और एक होता है एसिडिटी, एसिडिटी ऑफ सॉइल। अब इसमें देखें कि आप खुद ही एग्जांपल पे ये वाला देख सकते हैं कि ये कटा है। एसिडिटी मतलब हाइड्रोजन ले सकता है, ऐड कर सकता है अपने में, इसे कोई परेशानी नहीं होती। तो जितना ज़्यादा हाइड्रोजन होगा उतना ज़्यादा एसिडिटी होगी इसमें। अब इसके फायदे भी होते हैं, नुकसान भी होते हैं, ठीक है। इसके फायदे भी हो सकते हैं और नुकसान भी हो सकते हैं कुछ भी। और एक होता है अल्कलाइनिटी, अल्कलाइनिटी। तो इसमें क्या होता है, इसमें अगर हमारे जो सॉइल है उसमें कार्बन, उसमें कार्बोनेट, जैसे कार्बन या फिर नाइट्रोजन, कार्बन या फिर सोडियम के कार्बोनेट ज़्यादा हो जाए, तो वो बेसिक सा हो जाते हैं सॉइल, उसे हम अल्कलाइनिटी कहते हैं। और ये हमेशा के लिए, और ये कोई फ़ायदा नहीं देता, ये नुकसान ही करता है सॉइल का। जैसे है कैल्शियम, और जैसे आप ले लीजिए एग्जांपल, जैसे कैल्शियम और मैग्नीज़ है, नहीं, जैसे नाइट्रोजन है, नाइट्रोजन एब्सेंस होगा इसमें, तो काफ़ी नुकसान होता है ये चीज़ की। और ये मेन बेसिक यही होता है,